हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे बेनिफिट्स ऑफ ई कॉमर्स की। देखिए, ई कॉमर्स क्या होता है, कितने मोड होते हैं, वो सारी चीज़ें तो हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम लोग बात करते हैं कि ई कॉमर्स यूज़ करने के क्या क्या एडवांटेज हैं और ओवर द ट्रेडिशनल बिजनेस। ठीक है, बिजनेस मोड। तो ई कॉमर्स अगर हम यूज़ करते हैं तो उसके हम कई एडवांटेज हमको मिलते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं कि बेनिफिट्स ऑफ ई कॉमर्स। ठीक है, अब इसको बाय स्टेप इसको हम समझने की कोशिश करेंगे, 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके। तो देखिए, जो सबसे पहला बेनिफिट आप समझ सकते हैं वो ये है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा देर इज अ वाइड रेंज ऑफ बेनिफिट्स बाय यू विद द हेल्प ऑफ यूजिंग ई कॉमर्स। तो पहला है एनहेंस सेल्स विद लेस इन्वेस्टमेंट। इसमें क्या होता है कि इसमें जो है कोई भी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन या कोई भी आदमी अपना सेल को बढ़ा सकता है विदाउट लेस इन्वेस्टमेंट, विदाउट लेस इन्वेस्टमेंट। क्योंकि इस देखिए इन्वेस्टमेंट इसमें बहुत बहुत ही थोड़ा सा होता है, और आज के समय में तो आप बात कीजिए तो आप मोबाइल से भी पूरा अपना ई कॉमर्स का काम कर सकते हैं। तो विदाउट इन्वेस्ट लेस इन्वेस्टमेंट या विदाउट जीरो एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट आप अपनी सेल को काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज कर सकते हैं। सेकेंड जो एडवांटेज है वो ये है कि पोटेंशियली अनलिमिटेड कस्टमर बेस। इसमें क्या फायदा होता है कि पोटेंशियली जो कस्टमर बेस होता है वो अनलिमिटेड कस्टमर बेस होता है। इसलिए कि अनलिमिटेड कस्टमर बेस ऐसा क्यों होता है कि देखिए, अगर आप मान लीजिए ऑफलाइन बिजनेस कर रहे हैं तो क्या होगा कि आपने आपकी शॉप या आपका ऑफिस या आपका ऑर्गेनाइजेशन जिस जगह पे है, आप उस जगह से एक लिमिटेड एरिया के कस्टमर्स को ही सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं। मान लीजिए आपने कहा 10 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, 500 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर, मतलब देयर इज सर्टेन लिमिटेड एरिया बाय विच यू कैन कैटर योर कस्टमर, उन कस्टमर्स को ही आप सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं। जबकि ई कॉमर्स का यूज़ करके अगर आप बिजनेस करते हैं तो आपके पास ऐसी कोई जियोग्राफिकल लिमिट नहीं है कि आप यहाँ बैठे बैठे, और मान लीजिए कोई फॉरेन में बैठा हुआ कस्टमर से लंदन में बैठा हुआ, यूके में है, अमेरिका में है, कनाडा, किसी भी कंट्री में, कहीं भी वर्ल्ड के किसी भी कोने में, तो आप उसको जो है अपनी सर्विसेज या अपना प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे बोला हुआ है कि अनलिमिटेड कस्टमर बेस है। थर्ड जो एडवांटेज है वो ये है कि बिल्ड प्रॉफिटेबल एंड प्रोफेशनल ऑनलाइन कार्ड्स। ठीक है, इसमें क्या होता है कि बिल्ड प्रॉफिटेबल एंड प्रोफेशनल ऑनलाइन कार्ड, मतलब आप ई कॉमर्स साइट पे ही आप अपना प्रोफेशनल और प्रॉफिटेबल कार्ड जो है बना सकते हैं। नेक्स्ट है कि रीच योर टारगेट कस्टमर्स विद इफेक्टिव मार्केटिंग टूल्स एंड न्यू स्ट्रेटजीज, मतलब कि आप अपने बिजनेस को जो आपके टारगेटेड कस्टमर है, टारगेट कस्टमर मतलब सपोज कीजिए आपका कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट है, ठीक, तो आपके टारगेट कस्टमर क्यों क्या हो गए, आपके टारगेट कस्टमर ऑब्वियस सी बात है स्टूडेंट्स हो गए। जिस भी लेवल का आपका इंस्टीट्यूट है, स्कूल लेवल का है तो स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स हो गए, डिग्री लेवल का है तो अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हो गए, और हायर पीजी लेवल का है, कंपटीशन लेवल का है, उसमें भी किस एरिया का इंजीनियरिंग है आपका, कि लॉ है, मैनेजमेंट है, फार्मेसी है, क्या है, मतलब जो भी आपके टारगेटेड कस्टमर्स हैं उनको आप इंटरेक्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इफेक्टिव मार्केटिंग टूल, इफेक्टिव मार्केटिंग टूल्स एंड स्ट्रेटजीज। तो इसमें ये फायदा रहता है कि आप अपने टारगेटेड कस्टमर को इंटरेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट एडवांटेज क्या है, नेक्स्ट एडवांटेज ये है कि एम्पावर्स कंज्यूमर्स बाय लेटिंग देम हैंडल देयर ओन ट्रांजेक्शन। अब इसमें देखिए, कंज्यूमर की तरफ से बात किया है, एज ए कस्टमर आपको क्या फायदा है कि एज ए कस्टमर आप अपने ट्रांजेक्शन को खुद ही हैंडल कर सकते हैं। मतलब क्या हुआ कि भाई आपको कोई सामान, कई सामान खरीदने हैं तो आप अपने बजट के हिसाब से, अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, अपने टाइमिंग के हिसाब से आप वो सारी चीज़ें मैनेज कर सकते हैं।
कि अभी हमको कितना सामान खरीदना है या कौन सी सर्विस लेनी है, ठीक है, कितना बजट है हमारा उसके अंदर आ जाए। और तीसरी चीज, इवन ये भी एडवांटेज, ये भी जो है, जो आपकी वेबसाइट है, जो ई कॉमर्स साइट्स है, तो ये भी फैसिलिटी प्रोवाइड करती हैं कि आप उन प्रोडक्ट्स की डिलीवरी अपने जो डोर स्टेप पे आप चाहते हैं, तो किस टाइम स्लॉट में आप करना चाहते हैं, लेना चाहते हैं, कब आप अवेलेबल होंगे, तो ये सारी इतनी फ्लेक्सी फैसिलिटी जो है वो आपको ई कॉमर्स में मिल जाती है। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट आप आइए कि इट अलाउज बिजनेस टू फोकस ऑन सेलिंग ए प्रोडक्ट और सर्विस वाइल इजली डेवलपिंग इफेक्टिव बिजनेस रिलेशनशिप। मतलब कि इसमें एडवांटेज क्या है कि आप किसी के साथ अपनी बिजनेस रिलेशनशिप को मेंटेन रखते हुए, बिजनेस रिलेशनशिप को मेंटेन रखते हुए आप फोकस कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज पे जिसको आप बेच रहे हैं। ये सबसे बड़ा फायदा है ई कॉमर्स में। उसके बाद नेक्स्ट है आपका कि रिड्यूस एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट। तो एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट रिड्यूस हो जाती है, मतलब कि रिड्यूस्ड एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट। अब एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट इसलिए रिड्यूस हो जाती है आपकी, जबकि जब आप ई कॉमर्स से आप काम कर रहे हैं तो क्या होगा कि कई जो जैसे ओवरहेड एक्सपेंसेस होते हैं, जैसे आपने स्टाफ रिक्रूट किया हुआ है, ठीक है, तो स्टाफ रिक्रूट किया हुआ है आपने, तो ऑब्वियस सी बात है उनको बैठने की कहीं जगह देंगे, कहीं ऑफिस बनाएंगे, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंडिचर होगा, रिफ्रेशमेंट एक्सपेंडिचर होगा, डिफरेंट तरह के एक्सपेंडिचर होंगे। अगर मान लीजिए टू से मार्केटिंग के लिए आपने स्टाफ को कहीं भेजा हुआ है, तो उसका जो ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस होगा और तमाम तरह के जो एक्सपेंसेस होते हैं, जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस होते हैं, वो काफ़ी हद तक आप रिड्यूस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ई कॉमर्स। ये कहने का मतलब है इस पॉइंट का। नेक्स्ट आप आ जाइए कि ट्रेडिंग साइकिल फास्टर हो जाती है इसमें। फास्टर ट्रेडिंग साइकिल, ठीक है, क्योंकि इसमें आप चाहे तो, आप डिपेंड करता है कि कितना ऑर्डर आप रिसीव कर रहे हैं, आप डेली का डेली शाम को वो ऑर्डर एग्जीक्यूट करा दें, मान लीजिए 2 दिन लगता है तो 2 दिन बाद एग्जीक्यूट करा दें, इट ऑल डिपेंड्स अपॉन यू। तो ट्रेडिंग मतलब आप किसी और पर डिपेंडेंट नहीं है ना, तो उससे फ़ायदा ये होता है कि ट्रेडिंग साइकिल आपकी फास्ट हो जाती है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आइए, ये है आपका एबिलिटी टू विन न्यू बिजनेस एंड रिटेन एग्जिस्टिंग कस्टमर। ठीक है, इसमें क्या फ़ायदा होता है कि एग्जिस्टिंग कस्टमर को रिटेन करते हुए, एग्जिस्टिंग कस्टमर को रिटेन करते हुए आप नया बिजनेस भी उसमें इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, ये फायदा है। जैसे मान लीजिए, कैसे, सपोज कीजिए आपका कोई फर्नीचर शोरूम है, मान लीजिए आपके पास फर्नीचर शोरूम है, आप तमाम तरह के फर्नीचर अपने जो है सेल करते हैं, ठीक, अब आप उसको ई कॉमर्स वेबसाइट के थ्रू सेल कर रहे हैं, तो आपके जो एग्जिस्टिंग कस्टमर हैं वो तो आपसे फर्नीचर ले ही रहे हैं, आपसे जुड़े ही हुए हैं। अब आपने क्या किया, आपने किसी इलेक्ट्रॉनिक्स की कंपनी की भी आपने अपने पास प्रोडक्ट ले लिए, डीलरशिप ले ली, डिस्ट्रीब्यूटरशिप ले ली, और फर्नीचर के साथ साथ आपने कहा कि साहब हम एसी भी दे रहे हैं, फ्रिज भी दे रहे हैं, और भी जो से ब्लोअर भी दे रहे हैं, जितने भी आपके हाउस होल्ड आइटम्स हैं, आपने कहा कि अपने कस्टमर को आप ये बता सकते हैं कि साहब दीज प्रोडक्ट आर ऑल्सो अवेलेबल ऑन आवर प्लेटफॉर्म। तो आपके ऐसा नहीं कि आपके एग्जिस्टिंग कस्टमर जो है हट जाएंगे आपके पास से, उनके लिए एक एडेड एडवांटेज हो जाएगा। और चूंकि आपके वो कस्टमर हैं, इसका मतलब आपकी सर्विस से सेटिस्फाइड है, तो फिर वो बोलेंगे भाई अगर हम मान लो अपने बेडरूम के लिए डबल बेड ले रहे हैं, गद्दा ले रहे हैं, फर्नीचर ले रहे हैं, ड्रेसिंग टेबल ले रहे हैं, तो एसी लगवाना, चलो एसी भी इनके यहाँ से ही ले लेते हैं, ठीक है। किचन के लिए अगर मान लीजिए फर्नीचर लिया है उन्होंने, मॉडुलर किचन बनवाया है, कुछ भी किया है, उन्होंने कहा चलो फ्रिज भी ले लेते हैं, तो ये एडवांटेज होता है। इससे आपकी जो बिजनेस ऑटोमेटिकली एग्जिस्टिंग कस्टमर के थ्रू ही आप उसको और ज़्यादा ग्रो करा सकते हैं अपने बिजनेस को, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आ जाइए, एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड टू न्यू कॉम्पिटिटर क्विकली। इसमें क्या फ़ायदा होता है कि अगर मान लीजिए आपके जो न्यू कॉम्पिटिटर हैं, ठीक है, उनको आप काफ़ी तेजी से या क्विकली रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। मतलब क्विकली रिस्पॉन्ड का मतलब ये हुआ कि जैसे मान लीजिए अभी जैसे हमने, चलिए फर्नीचर वाली बात की थी, सपोज कीजिए हमने
फर्नीचर शोरूम की बात की थी, हमारे पास फर्नीचर शोरूम है, और लेकिन अभी तक क्या है कि हम से ग्लास टॉप जो डाइनिंग टेबल है, ग्लास टॉप डाइनिंग टेबल जो होते हैं जिनके ऊपर जो है ग्लास लगा होता है, वो अभी तक हम नहीं रखते थे। और हमारा कोई कस्टमर मार्केट, वो कंपटीटर मार्केट में उसने शोरूम खोला है और उसके पास ये अवेलेबल है, तो इमिडिएटली आप ये प्रोडक्ट अपने पास लेके और तुरंत आप अपने वेबसाइट पे, अपने जितने भी आपके मार्केटिंग टूल्स हैं सब पे आप सेकेंडों में ये चीज कर दे सकते हैं कि भाई हमारे शोरूम पे ग्लास टॉप डाइनिंग टेबल भी अवेलेबल है। तो इसी को कहते हैं क्विकली रिस्पॉन्ड टू योर कॉम्पिटिटर। अगर उस वो कोई नया प्रोडक्ट लाया, इमिडिएटली आप भी ला सकते हैं और सबको बता भी सकते हैं। अगर मान लीजिए उसने रेट्स में कुछ फ्लक्चुएशन किया, तो इमिडिएटली आप भी करके और तुरंत आप कन्वे भी कर सकते हैं अपना मैसेज अपने एग्जिस्टिंग कस्टमर को और न्यू कस्टमर को और कम्युनिटी को। ठीक, तो ये फायदा हो गया इसका, ई कॉमर्स का। नेक्स्ट आप आ जाइए कि पर्सनल कॉस्ट सेविंग, पर्सनल कॉस्ट सेविंग। तो ये अभी एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट वाली जो हमने बात की थी, वो हमने आपको उसी टाइम ये चीज़ जिक्र कर दिया था कि कॉस्ट की, पर्सनल कॉस्ट की काफ़ी सेविंग होती है, क्योंकि जब आप ई कॉमर्स से आप यूज़ करेंगे तो क्या होगा कि आपको नंबर ऑफ स्टाफ की कम ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, और नंबर ऑफ स्टाफ की जब कम ज़रूरत पड़ेगी तो उनके उनको लुक आफ्टर करने के लिए जो सुपरवाइजरी स्टाफ होता है उसकी भी कम ज़रूरत पड़ेगी, तो धीरे धीरे क्या होगा कि काफ़ी कॉस्ट सेविंग हो जाएगी आपकी। उसके बाद जो नेक्स्ट बेनिफिट है आपका ई कॉमर्स का, कैश फ्लो का, कैश फ्लो इम्प्रूवमेंट। क्योंकि जनरली क्या होता है कि देखिए, ई कॉमर्स साइट से जनरली क्रेडिट आदमी नहीं देता है, या तो कैश ऑन डिलीवरी करेगा या तो प्री पेमेंट करा लेगा, तो वो उधार वाला जो चक्कर होता है, या बहुत हुआ तो आपने लिमिटेड क्रेडिट दिया, आपने कहा ठीक है आप 10 दिन का हम क्रेडिट दे रहे हैं, तो उससे क्या होता है कि कैश फ्लो का मतलब पेमेंट आता भी रहता है और जिसको आपको देना है उस देते भी रहते हैं, तो कैश फ्लो जो है कि स्मूथ ढंग से चलता रहता है, तो कैश फ्लो इम्प्रूव हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट में क्या है, ऑर्डर फुलफिलमेंट भी इम्प्रूव्ड हो जाता है। ऑब्वियस सी बात है, पैसा आएगा पैसा जाएगा, आपके हाथ में पैसा रहेगा, तुरंत आप माल मंगाएंगे माल देंगे, तो ऑर्डर फुलफिलमेंट, फुलफिलमेंट वो भी काफ़ी हद तक इम्प्रूव कर जाता है, दैट इज़ ऑल्सो इम्प्रूव। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है, इससे क्या होता है आज के समय में, इनहेंस इमेज। अब देखिए, जैसे इस समय प्रेजेंट और इंडिया में तो आपने देख रहा आप, डिजिटल पेमेंट्स में इंडिया जो है नंबर 1 पे हो गया वर्ल्ड में, तो एनहेंस इमेज का मतलब क्या है, आज के समय में अगर आपका कोई भी एक छोटा सा बिजनेस है या आप मल्टी मिलियनेयर हैं, अगर आप ई कॉमर्स नहीं यूज़ कर रहे हैं या आपकी वेबसाइट नहीं है, ई कॉमर्स वेबसाइट नहीं है, तो दैट गिव्स अ वेरी यू कैन से बैड इम्प्रेशन कि भाई ये तो अभी पुराने हिसाब से ही चल रहा है। क्योंकि इन्हें अब जब आपका चाहे छोटा बिजनेस है चाहे बड़ा बिजनेस है, आपकी एक ई कॉमर्स साइट होनी जरूरी हुआ है आज के समय में अपनी इमेज को मेंटेन रखने के लिए। ठीक है, और जो लास्ट जो आपका फायदा है, जो सबसे बड़ा एडवांटेज है ई कॉमर्स का, वो ये है कि भाई इसमें आप 24/7 ऑपरेशन अपनी चला सकते हैं, मतलब आपकी दुकान, आपका शोरूम, आपका ऑफिस 24 घंटे, सातों दिन साल के 365 दिन, 24 घंटे आपका ये ओपन है। बस रात के 2:30 बजे भी 3 बजे भी किसी ने आपका प्रोडक्ट देखा, कार्ट बनाया, आपको ऑर्डर कर दिया, ऑर्डर आपको मिल गया, आपने मॉर्निंग में उसको एग्जीक्यूट कर दिया। तो इसमें फ़ायदा क्या है कि आपकी दुकान, आपका ऑफिस, आपका शोरूम जो कुछ भी है वो कभी बंद नहीं होता, कोई टाइमिंग नहीं है, आपका जो बिजनेस ऑपरेशन है वो 24/7 और यू कैन से 24x365 days इन अ ईयर वो ऑपरेशनल रहता है। तो ये तमाम एडवांटेजेस हैं, बेनिफिट्स हैं ई कॉमर्स के। तो आई होप कि आपको ई कॉमर्स के बारे में मैंने जो तीनों वीडियो डाली हैं उसका काफ़ी कुछ आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, एक जनरल ओवरव्यू देने की मैंने कोशिश की है।
आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर वीडियो कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए ताकि जब भी नेक्स्ट वीडियो डाली जाए उसकी इन्फॉर्मेशन आपको तुरंत मिल जाए। थैंक यू।